Hey, what is up gamers? It's RSG back again with another video on PUBG Mobile. और अब आज आ गया हमारा जोर्जोपोल सर्वाइवल वीडियो, जो कि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो जोर्जोपोल सर्वाइवल वीडियो होगा। सो वीडियो को इन तो ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। और प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत सारा मतलब कि पुश मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। अगर आपको पसंद है और वॉइस वीडियोज तो मुझे कह देना कमेंट सेक्शन में। और मैंने न्यू इंट्रो बनाया है तो देख लेना कि ये अच्छा है या फिर पुराना वाला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ फॉलो करनी है जो कि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ देख लो बूट कैंप सर्वाइवल वीडियो सोलो वर्सेस स्क्वाड। और वहाँ पर भी मैंने कहा था कि बीच में कभी भी मत उतरो। तो यहाँ पर भी आप किसी भी कोने में लैंड करो, यहाँ पे मिडल में सेंटर में कभी भी लैंड मत करो। सो यहाँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इस वाले कंटेनर्स पे, यहाँ पे नीचे से उतरा, मुझे गन तो नहीं मिले बट मुझे एक फ्रैग ग्रेनेड मिल गया। और यहाँ पे एक बंदा उतरा था, मुझे फुटस्टेप्स आ गए थे, उसका इंटरनेट बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। सो मैंने नेट कर दिया और ये लो 3 2 1 बूम, किल भी मिल गया मुझे। मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि किल मिल जाएगा, वो वहाँ तक पहुँचेगा तब तक तो फट ही जाएगा। तो फ्रैग ग्रेनेड सो सक्सेसफुली हो गया। अब मैं लूट लेता हूँ यहाँ पे ज़रा सा, और इस वाला कंटेनर में मुझे मस्त लूट मिल गया, M416 विथ DP28 और सफिशेंट एमओ भी मिल गए। सो अब मैं जा रहा था बंदे ढूंढने, और जैसे मैं वेयरहाउस की तरफ गया, वेयरहाउस में एंटर किया और देखा कि सामने फाइट चल रहे है, एक स्क्वाड का एक बंदा जो कि बोट को मारा है। मैंने तुरंत उस बंदे को नॉकआउट किया और फिर मैंने देखा तो ऊपर उसका एक और बंदा था, तो मैंने पिक ले लिया और फिर से कवर में जाके डीपी निकाली और स्प्रे कर दिया। और स्प्रे से दोनों ही बंदे वो नॉकआउट हो चुके थे, तो अब उनके तीन बंदे नॉकआउट थे और एक बंदा आ रहा था। मुझे पता था कि वो आएगा और पैनिक मोड में होगा, जैसे वो आया उछल कूद रहा था और बस हेडशॉट लग गया डीपी का और ख़त्म। तो पहली स्कोर यहाँ पे ख़त्म होती है। और बीच में जो किल था वो एक बोट का था, तो वो आपको पता ही होगा वो बोट था और नॉकआउट हो गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर क्योंकि मुझे पता था अभी एक और स्क्वाड है। और जैसे ही मैं लूटने जा रहा था मुझे फुटस्टेप्स आ गए और मुझे पता चल गया कि ये बोट के नहीं है। तो मैं घूम के गया और जैसे ही मैं पिक लिया, वो पे कंटेनर के अंदर दो बंदे थे, वो बाहर आए, एक बंदा बाहर आया और मैंने उसको नॉकआउट किया। दूसरी बार पिक लिया तो उसका दूसरा बंदा भी दिख गया और दोनों ही फिनिश हो गए। सो अब मुझे इन दोनों को लूटना था और बुलेट्स लेनी थी। अब जैसे ही मैंने लूट के फॉल बैक किया, मुझे फुटस्टेप्स आने लगे वेयरहाउस के, तो मैंने जहाँ से पिक लिया और शॉट्स भी लिए बट वो हट गया, वहाँ से कवर में चला गया और मुझे वेयरहाउस के पीछे से शॉट्स आने लगे। तो अब तो मेरी पोजीशन रिवील हो चुकी थी, सो मुझे अब चेंज करनी थी अपनी पोजीशन। तो मैं ज़रा सा फॉल बैक हो गया और मुझे ये लग रहा था कि मैं एक बंदा जो कि आएगा, एक बंदा तो होगा ही जो फुल रश करके आएगा, तो मैं सोच रहा था कि वो आएगा तो उसको मार दूंगा, एक को नॉक कर दूंगा, फिर मैं रोटेट करके उनके पीछे से जाऊंगा फ्लैंक करके। बट सक्सेसफुली वो ही मुझे मार गया। मतलब क्या उसका FPS ज़्यादा था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट तो फेल हो गया है। और इस बार मैं लैंड कर रहा हूँ इस वाले कंटेनर्स पे, यहाँ पे ये भी एक कॉर्नर है। सो जैसे मैंने लैंड किया इस बार मुझे वेस्ट एंड मुझे S6 H6 के साथ S18 दोनों ही शॉटगन मिल गए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगा कि मैं इस बंदे को क्यों नहीं मारा था। मैं ज़रा सा टाइम ले रहा था कि मैं उसके थोड़े बाजू में चले जाऊँ फिर एक शॉट लूँ, मतलब कि सारी बुलेट्स उसको लग जाए तो एक ही शॉट में किल हो जाए। तो यहाँ पर दोनों को मारा और यहाँ पर एक को ख़त्म किया, एक नहीं मिल रहा था, मुझे लगा वो भी ऊपर ही होगा, तो यस वो ऊपर ही था और उसे भी पूरा फिनिश कर दिया। सो दो किल्स तो मुझे यहाँ पे मिल गए। अब मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा था 3 वेयरहाउसेस के साइड से, तो मैं यहाँ पे एक वेयरहाउस में गया, वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी था जो 3x AKM के सिंगल शॉट्स ले रहा था किसी और बंदे पे। बट यार यहाँ पे ये बंदा बहुत ही सस्ते वाले एयरफोन्स यूज़ कर रहा था क्योंकि मैं उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया पर उसे पता नहीं चला। और मैंने पहले शॉटगन से ट्राई किया कि उसको मार दूँ बट नहीं मारा, मेरा भी पोपट हो गया। बट आखिर में मैंने M4 निकाल के उसे ख़त्म कर दिया, मतलब नॉकआउट कर दिया और फिनिश भी कर दिया। सो यहाँ पे मैंने इसको मार दिया, मुझे पता था कि इसके बंदे आएंगे, मतलब कि इसकी स्क्वाड यहाँ पे आएगी। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड नहीं करना चाहता था पर मुझे करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मुझे फुटस्टेप्स आ गए थे।
फुटस्टेप्स आ रहे थे मुझे राइट साइड से, और मैंने जैसे ही पेक लेके देखा तो एक आ रहा था बंदा, उसे नॉकआउट किया, वो 100% बोट ही था। और मैंने आगे गया और देखा तो मुझे एक और फुटस्टेप्स आए, मैंने देखा तो एक बंदा ओपन में भागे जा रहा था, उसे भी नॉकआउट किया। बट ये वाला बोट नहीं था, ये रियल बंदा था, क्योंकि एक और बंदा यहाँ पे मैंने शॉट्स लिए वो उसको कवर दे रहा था उधर साइड से। तो मुझे लग रहा है कि ये पीछे से जाना चाहता था, बट ये कहाँ पे ओपन में भागे जा रहा था पता नहीं। और अब मुझे पता था कि वो जो साइड वाले वेयरहाउस में एक बंदा था, उसको पता है मैं यहाँ पे हूँ, तो वो उसका दूसरा या तीसरा बंदा बुला के मुझे मारने आएगा। सो मैंने यहाँ पे पहले से प्लान करके रखा था, और मैंने यहाँ पे नेट्स थ्रो किए। यहाँ पे पहला नेट लेट वाला था, और दूसरे दो थे मैंने यहाँ पे अर्ली फेंक दिए, क्योंकि जल्दी फेंक दिए क्योंकि वो पैनिक होके बाहर आ जाए। सो वैसा ही हुआ, वो बाहर आ गया और मैंने उसे नॉकआउट भी कर दिया एकेम से। ये वाला क्लोज था, बहुत ज़्यादा क्लोज था। अच्छा हुआ मेरे पास एकेम थी, डैमेज अच्छा था, वरना तो यहाँ पे मेरा ख़त्म ही था। मुझे लग रहा था यहाँ पे जॉर्जिया पुल फिनिश है, बट नहीं, अभी भी एक बंदा था जो K98 के शॉट्स ले रहा था, और वो जिस पे ले रहा था वहाँ पे फुल स्क्वाड थी। सो मैं एक वेयरहाउस में चला गया, वहाँ से देख रहा था सबको, और नाइट भी हो गई क्योंकि डे और नाइट मैच था। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि मैं उसे देख सकूँ, बट वो टावर वाला बंदा मुझे नहीं दिखा, बट साइड वाले कंटेनर्स पे मुझे एक बंदा दिखा, उसका नॉकआउट किया। अब मुझे पता था उनको मेरी पोजीशन पता चल गई है, सो फिर से पोजीशन चेंज करनी थी। सो मैंने यहाँ पे रोटेट करके वहाँ कंटेनर्स के पीछे से गया, और यहाँ पे मैं जा रहा था और मुझे पता चला कि वहाँ पे टावर में एक बंदा था, वो सरासा नीचे आया है। सो मैंने यहाँ पे देखा, ढूंढा, मुझे लगा कि एक वो स्क्वाड होगी पूरी टावर में, बट नहीं, एक ही बंदा था, मैंने देखा एक ही था। और यहाँ पे मैंने उसको फिनिश किया, मतलब डायरेक्ट किल आ गया, और मैं भी ऊपर टावर में चढ़ गया। अगर एनिमीज को नहीं पता कि आप हो, मतलब कि आपकी पोजीशन भी नहीं पता, तो आपको टावर में चढ़ना चाहिए, वरना तो मतलब चढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शॉट्स आने लगेंगे, कवर भी नहीं रहता ऐसा ठीक ठाक कोई भी, और वो लोग कुछ भी कर सकते आसानी से। सो मैंने यहाँ पे चढ़ गया था, उन लोगों को नहीं पता था। यहाँ पे मैंने एक को नॉकआउट किया, और मैंने मोली थ्रो की, यहाँ पे नेट्स कर रहा था, मतलब देख रहा था कि तुक्का लग जाए या फिर नहीं। सो यहाँ पे नहीं लगा, और फिर से एक बंदा आया जो मुझे देख रहा था ऊपर, उसको भी नॉकआउट किया, और उसको रिवाइव देने वाला बंदा भी वहीं पे था, और उसको भी मैंने नॉकआउट किया। सो अब मुझे पता था कि वो उनका एक ही बंदा बचा है, क्योंकि ये 3 थे, ट्राई हुई था। सो मैं जल्दी से जल्दी नीचे गया, और नीचे जाके मैं जैसे ही पीछे से जा रहा था तो मुझे साउंड आया कि वो लोग कार लेके भाग रहे हैं। सो मैं फिर से गया और कार पे एक स्प्रे कर दिया, और ऑल डेड हो गए। एक बंदा वो प्लेसोन से मर गया, और बाकी दो तो नॉकआउट मैंने किए थे। सो यहाँ पे जॉर्जिया पुल सर्वाइवल भी ख़त्म होता है, हम सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिया। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।